जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए राजधानी दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर विजय राघवन ने विज्ञान के छात्रों के साथ जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर चर्चा की। 3 घंटे की इस चर्चा में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैव प्रौद्योगिकी की अहमियत को देखते हुए राजधानी दिल्ली में जहाँ के कॉलेजों के छात्रों के लिए एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर विजय राघवन ने अपने विचार रखे। इस व्याख्यान का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने स्टार कॉलेज स्कीम के तहत किया। स्टार कॉलेज स्कीम की शुरुआत 2008 में की गई थी और अभी तक इस स्कीम से करीब 96 कॉलेज जुड़ चुके हैं। स्टार कॉलेज स्कीम का मकसद कॉलेज के समग्र विकास के लिए विज्ञान के स्नातक विद्यार्थियों का रुझान जैव प्रौद्योगिकी में बढ़ाना है। इसी स्कीम के मद्देनजर राजधानी में विज्ञान से जुड़े छात्रों के साथ जैव प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई, जहां छात्रों ने दिलचस्पी दिखाई और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज जमाना बिना नुकसान ज्यादा फायदे का है और इस फॉर्मूले का नाम है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान का अग्रणी क्षेत्र है। ये देश की वृद्धि और विकास में अहम भूमिका निभाता है। आजकल इसका प्रयोग अलग अलग किस्म की फसलों के विकास और विशिष्ट रूप से विकसित किस्मों के लिए किया जाता है।